प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्त माल कल्याण से भक्त रामदास की कथा। भक्त रामदास द्वारका से 7 कोस की दूरी पर डाकोर नामक गांव में रहते थे। रणछोड़ भगवान के मंदिर में प्रति एकादशी को जागरण कीर्तन आदि में वे डाकोर से मतलब 7 मील दूर से आकर के द्वारका में भगवान रणछोड़ के मंदिर में कीर्तन भजन करने के लिए रात्रि जागरण करते थे और भगवान के दर्शन से अपने तन मन और को पवित्र करते थे। भगवान रणछोड़ ने एक बार इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा कि भक्त रामदास, तुम वृद्ध हो चुके हो, अब तुम मत आया करो। लेकिन भक्त रामदास तो जब भगवान को देखा कि मेरे सामने भगवान प्रकट हुए हैं, तो वो उनको दर्शन मतलब हुए तो उनको देखने में इतनी तल्लीन हो गई कि उन्हें सुध बुध ही नहीं रही कि भगवान मुझे रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं कि तुम मत आओ। अब तो वो दूनी उत्साह से, यानी जैसे अगली बार एकादशी आई तो वह डाकोर से दूनी उत्साह से द्वारका आने लगे कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए। इस तरह से आने लगे, उन्हें किसी भी तरह से जागरण का आनंद, जो भक्तों को भगवान के कीर्तन में जागरण में आनंद आता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे और वो आते रहे। भगवान से भक्त रामदास का एकादशी में इतनी दूर से वृद्धावस्था में, मान लीजिए 80-90 साल का जो व्यक्ति हो चला, इतनी वृद्धावस्था में 7 कोस दूर से, पहले तो क्या बैलगाड़ी पैदल इस तरह से साधन होते थे, तो भगवान से सहा नहीं गया। और उन्होंने भक्त को सुख देने के लिए कहा कि हे रामदास, तुम मुझे अपने घर ले चलो, अपने गाँव ले चलो, डाकोर ले चलो। तो भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम की भूखे होते हैं। उन्होंने कहा रामदास से, अच्छा तुम ऐसा करो, जब अगली बार आना तो तुम बैलगाड़ी ले आना, जब अभी तुम पैदल आते हो बैलगाड़ी ले आना, तो फिर उसमें तुम मेरे बिक्रे यानी मूर्ति को लिटा लेना और मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। अब अगली दूसरी एकादशी जब पड़ी तो रामदास जी आए और वो बैलगाड़ी लेकर के आए और वो रात भर मतलब जागरण होता रहा। अब अगले दिन रुके, फिर द्वादशी की आधी रात भी बीत चुकी थी। द्वारकावासी और मंदिर की पुजारी गहरी निंद्रावस्था में थे। ऐसा किसी के दिमाग में था ही नहीं कि रणछोड़ जी की मूर्ति चोरी हो जाएगी या कोई ले जाएगा, और फिर रामदास जी तो हमेशा वहाँ आते थे तो उनके ऊपर तो किसी का कोई शंका या संदेह का सवाल ही नहीं उठता था। अब इधर जब द्वारकावासी और सब लोग, मंदिर वाले सब लोग गहरी नींद में हो गए, तो रामदास जी तो बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि अचानक मंदिर का पट अपने आप खुल गया, यानी जिस मंदिर में ताले बंद हैं, दरवाजा बंद है, वो मंदिर का पट अपने आप खुल गया। ये सच्ची घटना है भक्तों, तो खुल गया, वे मंदिर में पहुंच गए। थोड़ी देर में वो, अब जब वो जान गए कि भगवान आना चाहते, मंदिर के अंदर चले गए, सब लोग सो रहे हैं, तो थोड़ी देर में जैसे उन्होंने, मूर्ति तो बहुत भारी होती है, 80-90 साल का वृद्ध शरीर, लेकिन उन्होंने थोड़े से ऐसी मूर्ति को छुआ, वो अचानक मूर्ति इनकी गोद में अपने आप जैसे आ गई, बिल्कुल हल्की होकर के। भगवान ने चिन्मय पूर्वक आनंद पूर्वक अपने स्पर्श से भक्त की जन्म जन्म की तपस्या सफल कर दी। गाड़ी द्वारका से बहुत दूर, मतलब रामदास जी ने गाड़ी में आके लिटा लिया बैलगाड़ी में, अब बैलगाड़ी सुबह तक बहुत दूर द्वारका से चली गई। अब द्वारका के मंदिर के पुजारी वगैरह, जैसे सुबह 4 बजे लोग उठते हैं, जाके देखा मंदिर में मूर्ति नहीं, फिर उन्हें चारों तरफ देखा, सबने कहा अरे रामदास जी कल बैलगाड़ी लेके आए थे, कभी बैलगाड़ी से तो आते नहीं हैं और रामदास जी हैं भी नहीं। तो सबका जो पूरी शंका संदेह था वो रामदास जी के ऊपर चला गया। सवेरा होती, अब लोग जानते थे कि डाकोर से आते हैं, तो लोगों ने डाकोर जिस गांव तरह दिशा में डाकोर गांव था, उस तरफ से लोगों ने अपना दौड़ना, जिस साधन से था बैलगाड़ी जो भी था, दौड़ना शुरू कर दिया कि रामदास जी का पीछा कर लें और भगवान की मूर्ति ले लें। अब रामदास जी ने देखा पीछे मुड़ के कि कुछ लोगों के दौड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, शोर की आवाज़ें आ रही हैं, उन्होंने देखा कि बहुत से लोग दौड़ के चले आ रहे हैं, वो समझ गए कि मैं मूर्ति लाया हूँ तो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अब भगवान जी, रामदास जी तो कभी भगवान की मूर्ति देखते हैं बैलगाड़ी में, कभी पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान को जगाना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपने मन में उन्होंने ये ख्याल किया कि मेरे भगवान जी वो बहुत गहरी नींद में निंद्रा ले रहे हैं और मैं इनको उठाऊंगा नहीं, इन्हें सोने दूंगा। अब भगवान तो कभी सोते ही नहीं है, तो आप लोग सभी जानते हैं, पर उन्होंने सोचा कि रामदास जी ने कि ज़्यादा ज़्यादा होगा पीछा करने वाले मुझे मारेंगे और क्या करेंगे, और मेरे प्रभु को मुझसे छीन लेंगे और प्रभु की मूर्ति वहाँ पधरा देंगे। पर भगवान की लीला शक्ति जाग रही थी। भक्त भयहारी रास बिहारी ने कहा, तो मुझे सामने की बावली, जैसे जिस जगह से गुजर रहे थे वहाँ सामने बावली यानी पानी काफ़ी भरा होता है, उसे बावली बोलते हैं, उसमें तो मुझे छिपा दो। भगवान ने कहा मेरी मूर्ति को इस बावली के अंदर छिपा दो।
रामदास जी ने बैलगाड़ी रोक के जल्दी से मूर्ति पानी के अंदर डाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद पीछा करने वाले पास में आ गए, उनने कुछ पूछा नहीं, उनसे कुछ कहा नहीं, और रामदास जी को लगे पीटने, पीट लगे पीटने मारने डंडे से, हाथ से, पूंछों से। अब आप खुद समझिए, 80-90 साल के वृद्ध शरीर को जब मारा जाएगा तो क्या हाल होगा। फिर कुछ लोगों ने कहा रुको रुको, पहले बैलगाड़ी में देखने दो। ऐसे ही हम लोग मानने लगे शंका के तौर पे, देखा वहाँ तो कुछ ही नहीं था, बैलगाड़ी में कुछ नहीं था। अब लोग, जिन लोगों ने मारा, मंदिर की पुजारियों ने, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे तो भगवान के सच्चे भक्त आते मंदिर में, हमने इनको मारा, मूर्ति तो कोई और ले गया, रामदास जी के शरीर से खून भी निकल रहा था। लेकिन उन्होंने देखा जितने लोग आए थे कि सामने वाली बाउली जो पानी भरा था वो पानी एकदम से लाल हो रहा, एकदम लाल हो गया। तो मतलब कहने का ये था हमारे कि वो जो रामदास जी की चोट थी, भगवान ने अपने विक्रय यानी अपने शरीर में ले ली थी, रामदास जी को कहीं भी एक क्षण मात्र का भी दर्द नहीं था। अब पीछा करने वाले बाउली में कूद पड़े, उन्होंने देखा मूर्ति निकाली, और क्या कहते हैं, उन्होंने मूर्ति निकाली और देखा तो मूर्ति के शरीर, मतलब जो मूर्ति थी उससे विक्रय से खून निकल रहा है। तो अब उन भक्त थे, अब जो मंदिर के पुजारी वगैरह था वो समझ गए कि मंदिर की मूर्ति भगवान अपने आप रामदास जी के साथ आना चाहते हैं, और हमने बड़ी गलती की, और इन्होंने रामदास जी की को जितना हम लोगों ने मारा है वो सारी मार इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। अब वो प्रभु का वो हाथ जोड़ करके और प्रभु के चरणों में मूर्ति के सामने गिर पड़े, भगवान ने सबको दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभु कहल शरीर को देखकर कांप उठे रामदास जी कि प्रभु का शरीर से एकदम खून खून ही निकल रहा है मूर्ति से। भगवान ने कहा मेरा भक्त मुझे, भगवान ने पुजारियों से बोला कि मेरा भक्त है जो वो मेरी आज्ञा से लिए जा रहा है मुझे, मैं तुम्हारे संपर्क में अब बिल्कुल नहीं रहना चाहता, तुम मेरी दूसरी प्रतिमा जो अमोघ स्थान कोई मंदिर वहीं पास में होगा उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति होगी। तो भगवान ने कहा वो मेरी मूर्ति वो तुम रणछोड़ मंदिर में स्थापित कर लो और वहाँ मेरी पूजा पाठ करो, और मैं तो रामदास जी के साथ जाऊँगा और यही तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित है। भगवान ने एक और आज्ञा दी रामदास जी की कि मेरे तौल के बराबर सोना तुम इन्हें, मतलब जो मंदिर के पुजारी आए इनको दे दो, दान दे दो, और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब भक्त रामदास जी बहुत दरिद्र थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, और मूर्ति स्वभाव ही कितनी भारी होती है मंदिरों की वो तो आप लोग जानते हैं। भक्त अपनी दरिद्रता और असमर्थता पर कांप गए। उनकी स्त्री की कान की बाली रखी गई, स्त्री जो थी पत्नी थी, कान की बाली, अब आप लोग जानते हो कान की बाली कितनी भारी हो सकती है, कितनी हल्की हो सकती है। एक पलड़े में कान की बाली सोने की पत्नी की, और एक पलड़े में भगवान की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति और भारी मूर्ति। अचानक भगवान की लीला देखिए, कान की बाली का पड़ला नीचे पहुंच गया और भगवान की मूर्ति का पड़ला ऊपर आ गया, यानी कि भगवान की मूर्ति भगवान की लीला शक्ति से वो मूर्ति बाली से भी हल्की हो गई। भगवान ने अपने भक्त की इज्जत रख ली। अब भगवान जो रणछोड़ थे उनका नाम उस दिन से आयुध छत हो गया, उपाधि से विभूषित हुए। अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती जिसमें रामदास जी ने जिस मंदिर में अपने गांव में मूर्ति स्थापित करी तो उसमें आज भी पट्टी बांधी जाती है। भगवान रामदास की भक्त की महिमा का तो भगवान रणछोड़ की लीला शक्ति ही कर सकती। कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, अगर भगवान भक्त के वश में होते हैं, अगर हम सब लोग भी भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा हम सब लोगों को भी प्राप्त होगी। हरे कृष्ण।